उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा उस वक्त सामने आया जब एक महिला ने पति के फ्लैट पर पहुंचकर धरना दे दिया। लगभग एक घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे की साक्षी बनी मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस महिला के द्वारा घर में प्रवेश करने की मांग लगातार की जा रही थी। इस दौरान महिला का पति घर में ताला लगाकर परिवार संग फरार हो गया। महिला का आरोप है कि उसे दो दिन के लिए मायके भेजा गया था और मायके पहुंचते ही महिला पर तलाक का नोटिस पहुंच गया, जिससे नाराज होकर महिला आज मुरादाबाद पहुंची और मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आकाश रेजिडेंसी का है, जहां पर अनुराग जैन अपने परिवार संग रहता है। लगभग एक साल पहले अनुराग की शादी सोनिया के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाता रहा और दहेज की मांग की जाती रही, जिसके बाद महिला ने अलीगढ़ में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस दौरान रिश्तेदारों ने दोनों ही पक्षों में समझौता करा दिया और सोनिया अपने पति के घर आकर रहने लगी, लेकिन हालात जस के तस रहे। उसके बाद महिला को पति ने उसके मायके भेज दिया और उसके तुरंत बाद ही उसे तलाक का नोटिस पहुंच गया, जिसे देख महिला के होश उड़ गए। आज महिला मुरादाबाद स्थित आकाश रेजिडेंसी पहुंची। महिला के पहले ही उसका पति घर में ताला लगाकर फरार हो गया। ये देख महिला घर में प्रवेश करने की जिद को लेकर धरने पर बैठ गई। इस दौरान पुलिस भी सूचना पाकर आकाश रेजिडेंसी पहुंच गई और महिला को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला घर में प्रवेश करने को लेकर जिद पर अड़ी रही। लगभग एक घंटे के प्रयास के बाद महिला पुलिस के साथ थाने आ गई। फिलहाल पुलिस महिला के पति से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। सान्या अनुराग जैन। सान्या जी, क्या पूरा मामला था? सर, मेरी शादी 16/4/2018 में अनुराग जैन से हुई थी, जो हरिकृष्ण जैन जी के बेटे हैं। शादी के बाद से इन लोगों ने मेरे साथ काफ़ी कुछ गलत करा, जिसकी सूचना बार बार सिविल लाइन थाने में दी गई, पर वहाँ पे जाके इन्होंने आपसी समझौते करे और मुझे झूठ बोल के वापस लिया है हर बार। अब 29 अगस्त को इन लोगों ने मुझे मेरे घर भगा दिया मारपीट के। उसके बाद से मैं जब भी आती हूँ घर में हमेशा लॉक रखता है, मुझे रखना नहीं चाहते। जिसकी FIR मैंने अलीगढ़ में, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, मेरा मायका है वहाँ पे रजिस्टर्ड कराई थी। कल मेरी सास रोज मायरा पूर्णिमा जैन, मेरे ब्रदर इन लॉ मनु पठानिया, मेरे ससुर हरिकृष्ण जैन जी वहाँ पेश हुए थे, जहाँ मैंने SSP सर से बोला कि मैं कहाँ जाके रहूँ शादी के बाद, मेरा राइट यहीं रहने का है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ रहना मेरा लीगली राइट है और मुझे यहीं रहना चाहिए। इन्हें पता था मैं आ जाऊँगी और ये यहाँ पे है, इनकी गाड़ी भी नीचे खड़ी है कार, पर पता नहीं अभी कहाँ भाग गए लॉक करके घर। अब आप क्या करेंगे इसमें? मैं यहीं रहूँगी अब, क्योंकि मेरी जगह यही है। शादी के बाद एक लड़की की अड़ती ही उठती है उसके ससुराल से, और तलाक का नोटिस भेज दिया मुझे घर भगा के। हाँ, अगर आपका पति आप यहाँ से जाएंगी क्या? मैं यहीं मरूंगी अगर ये मुझे नहीं रखेंगे तो। अब मैं सोसाइटी करूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं इसके सिवा। अगर पुलिस में कोई एक्शन ना करती तो क्या करूंगी? मैं आत्महत्या कर लूंगी यहीं पे। तब तो मुझे इंसाफ मिलेगा। मरने के बाद कम से कम पुलिस को भी यकीन होगा कि वाकई में परेशान थी। 1.5 साल से मैंने बहुत कुछ सहा है इन लोगों का। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।